इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल जयंती पर फतेहाबाद में होने वाली सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सरीखे कई नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। रैली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने प्रतिनिधि को रैली में भेजने की बात कही है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद भी रैली में भाग ले सकते हैं। इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने नई अनाज मंडी में रैली स्थल का भी निरीक्षण किया और पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, विपक्ष ने एकजुट होकर कभी उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जब से जेल से रिहा हुए हैं, उनका प्रयास है कि देश में नए सिरे से विपक्ष को इकट्ठा किया जाए और भाजपा के गलत फैसले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। आज हर वर्ग के लोग मौजूदा सरकार से दुखी हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की। इन सरकारों द्वारा पिछले दिनों लिए गए निर्णयों से लोगों का मन भाजपा से उठ चुका है और लोग अब बदलाव चाहते हैं। लंबे समय से देश के अंदर विपक्ष जो है बिखरा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई थी, इस 8 वर्ष में कहीं विपक्ष ने एकजुट होकर के इस बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे जेल से रिहा हुए थे, उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि नए सिरे से देश का सारा विपक्ष इकट्ठा हो और भाजपा के जो गलत फैसले हैं, जो गलत निर्णय लिए जाने हैं, इनके खिलाफ हमें एक होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हर वर्ग के लोग जो है मौजूदा सरकार से दुखी है, परेशान है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे वो हमारे प्रदेश की सरकार है। जो निर्णय इन सरकारों ने पिछले दिनों में लिए, उससे लोगों का मन भाजपा से ऊब चुका है और लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। और बदलाव के लिए लोगों की एक इच्छा थी कि विपक्ष इकट्ठा हो ताकि हम किसी पे भरोसा करके अपना वोट दे सकें। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कृषि के खेती करने वाले लोग जो हैं, अगर मेरी दूसरी दफा सरकार बनी तो मैं उनकी आय 2 गुना करूंगा, उनकी फसल की कीमत 2022 तक 2 गुना बढ़ा दूंगा। फसल के दाम तो नहीं बढ़े, लेकिन कृषि के 3 काले कानून ऐसे बना दिए गए थे उस वक्त में, जिसकी वजह से 13 महीने तक लाखों लोगों को जो खेती करने वाले थे, जो कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़कर एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ चलाना पड़ा। उसके बाद के जो निर्णय थे, महंगाई कम करने की बात थी, आज बेशुमार महंगाई है, आज लोग महंगाई से भी परेशान हैं। वहीं देश को आज आर्थिक रूप से भी कमजोर किया जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर के चौटाला साहब ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि मैं सारे विपक्ष के लोगों को एक मंच पे लेकर के आऊं। सम्मान दिवस पे 25 तारीख को चौटाला साहब अपने प्रयास में बहुत हद तक सफल हैं।